नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाए हैं हम जानकारी प्रवासी पक्षियों की उड़ान की, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन की कहानी की, बढ़ती तकनीक से आसान होता जीवन और मुस्कुराने के फायदे, चुटकुलों से हंसी की गड़गड़ाहट और बाल कविता का रंग बिरंगा माहौल। तो मैं हूँ आपकी आज की होस्ट और दोस्त प्रेक्षा, और मैं हूँ एकाक्ष कनकानी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। जब हंसोगे मुस्कुराओगे दूर होंगे सारे विकार, जीवन तुम्हारा स्वस्थ बनेगा, तन मन स्वच्छ बनेगा, निकलेंगे मन के सारे विकार, आत्मा होगा परम उदार। प्रेक्षा का मन का संदेश, करो न जग में किसी से द्वेष। जी हाँ, हंसना हमारी स्वस्थ जीवन शैली के लिए बहुत आवश्यक होता है। अरे वाह प्रेक्षा, तुमने तो बड़ा ही अच्छा संदेश दिया बाल कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को। हंसना सचमुच ही एक बहुत ही निराला भाव है, थोड़ी सी खुशी सभी दुखों को दूर कर देती है। हंसने से हमारे फेफड़े भी अच्छी तरह से खुलते हैं, इससे हमें श्वास लेने में दिक्कत भी नहीं आती, और साथ ही साथ ये डिप्रेशन जैसी बीमारियों का तो अचूक इलाज है। हाँ, हंसी बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक चीज होती है। लक्ष्य के साथ जीने से शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का जब आपस में समन्वय होता है, तभी हमें असली खुशी मिलती है। थोड़ी सी खुशी सारी दुखों को दूर करके हमें नई ऊर्जा भर सकती है। हाँ सच में, हंसने से हमारे जीवन में उमंग आ जाता है। हंसना बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक भी होता है, और हंसने से जीवन रंग भरा हो जाता है। हाँ, इसी बात को दिखाने के लिए मैं एक श्लोक लेके आई हूँ। तो सुनाने में देरी किस बात की? ठीक है, मैं भी सुनाती हूँ। हास्यम गुणज्ञम कुरु आत्म चिंतन, प्राज्ञाम विदंतम कुरु हास्य लास्यम, देवम विदंतम विदज्ञान तत्त्वम, प्रेक्षन्त प्रेक्षा शिशुदेववन्तम्। अरे वाह प्रेक्षा, तुमने तो बहुत ही अच्छा श्लोक सुनाया। वैसे मैं तो सदा ही खुश रहता हूँ, बस जब परीक्षा के दिन होते हैं और जब मम्मी की डांट खानी पड़ती है। वैसे जैसे ही मम्मी दूसरी ओर देखती है, मैं फिर से हंसने लगता हूँ, और यह देखकर मम्मी का गुस्सा शांत हो जाता है। जो लोग खुश रहते हैं ना, वो अपने आसपास भी सकारात्मक विचारों और खुशी का संदेश बिखेरते हैं। हाँ सच में। वैसे दोस्तों, हम इतनी हंसी की बातें कर ही रहे हैं, तो चलिए कुछ चुटकुले सुनाकर हम आप सभी को हंसा भी देते हैं, क्यों प्रेक्षा? हाँ। रात को मोनू को बार बार एक मच्छर परेशान कर रहा था। मोनू को गुस्सा आया, उसने मच्छर को मारने की बहुत कोशिश की। ऐसे करते करते सुबह हो गई। सुबह रमेश ने उससे पूछा, क्या हुआ मोनू, तुम रात को सोए नहीं क्या, मच्छर परेशान कर रहा था? उसने कहा, नहीं वैसे मच्छर तो परेशान कर रहा था, पर इस बात की तसल्ली है कि मैंने भी मच्छर को रात को सोने नहीं दिया। चलो एक और चुटकुला सुनाता हूँ। रमेश समोसा खोलकर केवल अंदर का मसाला खा रहा था। तभी सोनू ने पूछा, अरे दोस्त केवल अंदर का मसाला क्यों खा रहे हो? तभी रमेश ने बोला, क्या करूं यार, बीमार हूं, डॉक्टर ने बाहर का खाने से मना किया है। अरे प्रेक्षा, वो देखो, वो इतनी सुंदर सी विचित्र चिड़िया, उसे तो मैंने यहाँ नोएडा में पहली बार देखा है। हाँ मैंने भी इसे पहली बार देखा है, शायद ये माइग्रेट करके आई है कहीं से। माइग्रेट? पर ये माइग्रेट क्या होता है? पक्षी का एक जगह से दूसरी जगह जाने को माइग्रेशन या माइग्रेट कहते हैं। अच्छा हाँ, मुझे याद आया, विद्यालय में अध्यापिका ने हमें इसके बारे में पढ़ाया था, और उन्होंने यह भी बताया था कि कई जीव जंतु, पशु पक्षी आदि रहने की जगह तथा तापमान के कारण दूसरे देशों से भारत में आते हैं तथा भारत से दूसरे देशों में जाते हैं। हाँ मैं तो एक बार बर्ड सेंचुरी भी गई थी, वहाँ पे मैंने बहुत सारी सुंदर पक्षियाँ देखी। चलो एकाक्ष, मैं तुम्हें कुछ प्रवासी पक्षियों के नाम बताती हूँ। आर्कटिक टन एक ऐसी पक्षी है जो कि 71,000 किलोमीटर तक की दूरी तय करती है। वह सबसे ज्यादा दूरी तय करने वाली पक्षी में से एक है। और शूटी शियर वाटर नाम की एक पक्षी 64,000 किलोमीटर तक माइग्रेट करती है।
अच्छा, और मैं अपने श्रोताओं को बता दूं कि प्रवासी पक्षी भी चार प्रकार के होते हैं। पहला रेजिडेंट बर्ड्स, जो दूर इलाकों तक नहीं जाते हैं, वे अपने घर पर रहकर ही वहां पर खाना और रहने का स्थान ढूंढ लेते हैं, जैसे कबूतर। दूसरा जो बहुत कम दूरी तय करते हैं, जैसे समतल स्थल से पहाड़ों के ऊपर, इसका एक उदाहरण रॉबिन है। तीसरे प्रकार के पक्षी वो होते हैं जो मध्यांतर दूरी तय करते हैं, जैसे कुछ राज्यों को पार करते हैं, जैसे ब्लू जे। और फिर जैसे तुमने बताया आर्टिक टर्न जैसे कुछ पक्षी बहुत से देशों दूर दूसरे देश जाते हैं। सच में पक्षियाँ बहुत सुंदर होती है। वैसे प्रेक्षा, प्रवासी पक्षियों के बारे में इतनी जानकारी तुम्हें कहाँ से मिली? कुछ पक्षी तो मैंने ओखला की बर्ड सेंचुरी में देखी है और कुछ के नाम मैंने गूगल से देखे। हाँ, मैंने भी ये सब जानकारी AI टूल से पता की। अब तकनीकी युग है ना, सब काम तकनीक के माध्यम से आसान हो गए हैं। हाँ, कितना आसान हो गया है अब इंटरनेट से सब कुछ। सोचो अगर ये इंटरनेट ना होता तो भूगोल, इतिहास आदि के गूढ़ रहस्यों को हम कभी ना समझ पाते। अब तो हम कुछ क्षणों में ही कोई भी जानकारी, तस्वीर कहीं भी भेज सकते हैं। दूर देशों में बैठे दोस्त, रिश्तेदार सभी को देखते हुए बात कर पाते हैं। इससे याद आया कि गर्मी की छुट्टियों में जहाँ घूमने जा रहे हैं वह जगह हमने गूगल पर पहले ही ढूंढ ली। पिताजी ने होटल, रेल आदि का टिकट भी ऑनलाइन बुक करवा दिया। काफी मजा आएगा तुम्हें। पर दोस्तों याद रहे, यह बढ़ती तकनीकी की मदद से हमारा जीवन आसान हुआ है, पर हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि इसके दुरुपयोग से नुकसान कहीं अधिक होता है। मैं आजकल जब रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर उतरता हूँ तो वहाँ का नजारा कुछ अलग ही होता है। हर सब्जी वाले, फल वाले सभी ठेलों पर QR कोड का बोर्ड लगा होता है। आजकल सभी ऑनलाइन पेमेंट जो करते हैं, टैक्सी सेवा भी स्मार्टफोन द्वारा बुलाई जा सकती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बढ़ती प्रौद्योगिक तकनीक ने आज कई बीमारियों से लड़ाई आसान कर दी है। यही नहीं, आजकल तो हमारे माता पिता दफ्तर से ही अपने स्मार्टफोन के द्वारा घर घूम भी लेते हैं तथा खाना भी मंगवा लेते हैं। यही नहीं, अब तो हर तरह का सामान भी स्मार्टफोन द्वारा मंगवा लिया जाता है। सच में स्मार्टफोन से हमारा जीवन तो बहुत ही आसान हो गया है। और स्मार्टफोन द्वारा आज इंटरनेट के माध्यम से हम शिक्षा के क्षेत्र में आज विज्ञान, इतिहास आदि सभी के गूढ़ रहस्यों को समझ सकते हैं और उनके बारे में अधिक जानकारी पा सकते हैं। हाँ, मैंने तो इंटरनेट से कुछ दिनों पहले गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में भी पढ़ा था। अच्छा प्रेक्षा, तुम्हें पता है कि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? मुझे तो नहीं पता। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी, और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी जानकारी है। वैसे एकाक्ष, क्या तुम्हें पता है रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? नहीं, तुम ही बता दो। जरूर, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 जोरा साको ठाकुरवाड़ी कोलकाता में हुआ था। 8 साल की उम्र में उन्होंने कविताएं लिखना शुरू कर दिया था और 16 साल की उम्र तक उन्होंने कलाकृतियों की रचना भी शुरू कर दी थी। सच में रविंद्रनाथ टैगोर तो महान हैं। और तुम्हें पता है उनकी रचना गीतांजलि के द्वारा उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। उन्होंने भारत का राष्ट्रगान भी लिखा है। वे आध्यात्मिक, व्यवहारिक व राजनीतिक जीवन के पुरोधा थे। उन्होंने बंगाल में शांति निकेतन भी खोला था और साथ ही साथ आज भी बंगाल के संतों में उनकी गणना श्रेष्ठ संतों में होती है। उन्हें गुरुदेव और कबीर देव के नाम से भी जाना जाता है और उन्होंने साहित्य की हर विधा में कविताएं लिखी है। वे बहुत अच्छे चित्रकार भी थे। अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं था। पता है परीक्षा, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कई सारी बाल कहानियां भी लिखी है। आज हमारे साथ स्टूडियो में संध्या दीदी जुड़ी है, जो हमें रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखी एक कहानी सुनाने वाली है, जिसका शीर्षक है तोता। तो चलो उनसे यह कहानी सुनते हैं। एक था मूर्ख तोता, गाता पर शास्त्र नहीं जानता था, सब करता, यह नहीं जानता था कि कायदा कानून किसे कहते हैं। राजा बोले, ऐसा तोता किस काम का? मंत्री को कहा, इस तोते को शिक्षा दो। शिक्षा देने का काम राजा के भांजे को मिला। पंडितों की बैठक हुई, विषय था
उक्त जीव की अविद्या का कारण क्या है? गहरा विचार हुआ, सिद्धांत ठहरा, तोता अपना घोंसला साधारण खरपात से बनाता है, ऐसे आवास में विद्या नहीं आती, इसलिए आवश्यक है कि इसके लिए कोई बढ़िया सा पिंजरा बना दिया जाए। सुनार बुलाया गया, वह सोने का पिंजरा तैयार करने में जुट गया। पिंजरा ऐसा अनोखा बना जिसे देखने के लिए लोग टूट पड़े और कहते कि इस तोते का क्या नसीब है। सुनार को थैलियां भर भर इनाम मिला। पंडित जी तोते को विद्या पढ़ाने बैठे। नस लेकर बोले, यह काम थोड़ी पोथियों का नहीं है। राजा के भांजे ने पोथी लिखने वालों को बुलवाया। पोथियों की नकल होने लगी और नकलों के पहाड़ लग गए। लोगों ने कहा, शाबाश, इतनी विद्या के धरने को जगह भी नहीं रहेगी। नकल नवीसों को लद्दू बैलों पर लाद लाद कर इनाम दिए गए। दामी पिंजरे की देखरेख में राजा के भांजे बहुत व्यस्त रहने लगे। जो भी देखे यही कहता कि उन्नति हो रही है। इन कामों पर अनेक अनेक लोग लगाए गए, जो हर महीने मोटे मोटे वेतन ले लेकर बड़े बड़े संदूक भरने लगे। संसार में निंदकों की कोई कमी नहीं है, एक ढूंढो हजार मिलते हैं। निंदक बोले, पिंजरे की तो उन्नति हो रही है, पर तोते की खोज खबर लेने वाला कोई नहीं है। राजा के कानों में जैसे ही बात पड़ी, उन्होंने भांजे को बुलाया और कहा, क्यों भांजे साहब, ये कैसी बात सुनाई पड़ रही है? भांजे ने कहा, महाराज, अगर सच सच बात सुनना चाहते हो तो सुनारों को बुलाइए, पंडितों को बुलाइए, नकल नवीसों को बुलाइए, मरम्मत करने वालों को बुलाइए और मरम्मत की देखभाल करने वालों को बुलाइए। निंदकों को हलवे में हिस्सा नहीं मिलता, इसलिए वह ऐसी ओछी बात करते हैं। राजा ने मामले को साफ साफ सुना और भांजे को सोने के हार पहनाए गए। एक दिन राजा अपने मुंहसाब मुंहलगों मित्रों और मंत्रियों के साथ आप ही शिक्षा शाला में आ धमके। उनके पहुंचते ही शंख ढोल ताशे नगाड़े आदि बज उठे। पंडित मंत्र पाठ करने लगे। मिस्त्री मजदूर सुनार देखभाल करने वाले और उनके ममेरे चचेरे फुफेरे भाई जय जयकार करने लगे। भांजा बोला, महाराज देख रहे हैं ना? महाराज ने कहा, आश्चर्य, शब्द तो कोई कम नहीं हो रहा। भांजा बोला, शब्द ही क्यों, इसके पीछे अर्थ भी कोई कम नहीं। राजा प्रसन्न होकर लौट पड़े। राजा हाथी पर सवार होने ही वाले थे कि पास के झुरमुट में छिपा बैठा निंदक बोल उठा, महाराज आपने तोते को देखा भी है? राजा चौंक कर बोले, अरे हाँ, यह तो मैं बिल्कुल भूल ही गया था, तोते को तो देखा ही नहीं। लौटकर पंडित से बोले, मुझे यह देखना है कि तोते को तुम किस ढंग से पढ़ाते हो। पढ़ाने का ढंग तोते की तुलना में इतना बड़ा था कि तोता दिखाई ही नहीं पड़ता था। राजा ने सोचा, अब तोते को देखने की जरूरत ही क्या है, उसे देखे बिना भी काम चल सकता है। राजा ने इतनी अच्छी तरह समझ लिया कि बंदोबस्त में कोई भी फूल चूक नहीं है। पिंजरे में दाना पानी तो था नहीं, थी सिर्फ शिक्षा, यानी ढेर के ढेर पोथियों के पन्ने फाड़ फाड़ कर कलम की नोक से तोते के मुंह में डाले जाते थे। तोता का मुंह ठसा ठस भर कर बिल्कुल बंद हो गया, देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते। राजा ने सरदार को निंदक के कान उमेटने की ताकीद कर दी। तोता दिन पर दिन अधमरा होता गया। अभिभावकों ने समझा कि प्रगति काफी आशाजनक हो रही है। पक्षी स्वभाव के एक स्वाभाविक दोष से तोते का पिंड अब भी छूट नहीं पाया था। सुबह होते ही वह उजाले की ओर टुकुर टुकुर निहारने लगता और बड़ी ही अन्याय भरी रीति से अपने पंख फड़फड़ाने लगता था। किसी किसी दिन तो ऐसा भी देखा गया कि वह अपनी रोगी चोंच से सलाखे काटने में जुटा हुआ है। तोते के पंख काट दिए गए। राजा के संबंधियों ने सिर हिलाकर कहा, इस राज्य के पक्षी सिर्फ बेवकूफ ही नहीं, नमक हराम भी हैं। तोता मर गया, कब मरा इसका कोई निश्चय नहीं। निंदक ने अफवाह फैलाई कि तोता मर गया। राजा ने भांजे को बुलवाया और कहा, भांजे साहब, यह कैसी बात सुनी जा रही है? भांजे ने कहा, महाराज, तोते की शिक्षा पूरी हो गई है। राजा ने पूछा,
अब भी वह उछलता कूदता है? भांजा बोला, अजी राम कहिए, अब भी वह उड़ता है? ना, कतई नहीं। अब भी गाता है? नहीं तो। दाना ना मिलने पर अब भी चिल्लाता है? ना। राजा ने कहा, एक बार तोते को लाना तो सही, देखूंगा जरा। तोता लाया गया, साथ में कोतवाल, प्यादे, घुड़सवार आए। राजा ने तोते को चुटकी से दबाया, तोते ने ना हाँ की, ना ना की, हाँ। उसके पेट में पोथियों के सूखे पत्ते खड़खड़ाने जरूर लगे थे। अरे वाह, ये कहानी तो बहुत अच्छी थी। आह, अरे परीक्षा, तुम्हें इतनी तेज चोट कहाँ से लगी? आज जब मैं स्कूल में खेल रही थी तो अचानक मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई। तो मेरी अध्यापिका फर्स्ट एड किट लेकर आई, लेकिन उसके ऊपर एक लाल रंग का क्रॉस बना था। पता नहीं वो गणित की किताब से उस डब्बे पे कैसे आ गया। अरे परीक्षा, वो गणित की किताब का प्लस नहीं, वह रेड क्रॉस था। और इससे मुझे याद आया कि अभी रेड क्रॉस डे भी आने वाला है। चलो अपने श्रोताओं को इसके बारे में जानकारी देते हैं। रेड क्रॉस एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जिसका प्रमुख उद्देश्य आपात स्थिति, युद्ध एवं महामारी के समय असहाय मानवता की सहायता करना है। सर, जीन हेनरी ड्यून ने रेड क्रॉस अभियान की शुरुआत की और उनकी जयंती को प्रतिवर्ष 8 मई को दुनिया भर में रेड क्रॉस डे के रूप में मनाया जाता है। आइए जानते हैं इससे जुड़े कुछ रोचक तथ्य। इसे रेड क्रीसेंट दिवस भी कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष इसकी एक थीम होती है, जो हर किसी को शांति के लिए कुछ अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस वर्ष 2024 की थीम है, मैं खुशी का साथ देता हूँ, और जो खुशी मैं देता हूँ वह एक पुरस्कार है। इस दिन उन सभी स्वयं सेवकों को हम धन्यवाद देते हैं, जो दुनिया भर में आपदाओं के समय पट्टियों, स्ट्रेचर, रक्तदान और बेहतर होने के लिए उपकरणों जैसी चीजों से मदद करते हैं। हाँ परीक्षा, यह दिवस मनाकर हम दिखाते हैं कि जब लोग मुसीबत में हैं, तो हमें उनकी मदद अवश्य करनी चाहिए और उनकी मदद करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। यह दिवस न केवल शांति अपितु स्वास्थ्य और जागरूकता पर भी ध्यान केंद्रित करता है। और पता है एकाक्ष, कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल हो सकता है। मित्रों, आशा है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, यह दिवस का खास अर्थ है, क्योंकि हम सभी को एकजुट करता है और शांति के लिए हम सभी का सकारात्मक योगदान और दुनिया की भलाई के लिए दयालुता के कार्यों में संलग्न होने का आग्रह करता है। पता है प्रेक्षा, रवीन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखी काबुलीवाला कहानी मैंने अभी हाल में ही पढ़ी थी। इस कहानी में रवीन्द्रनाथ टैगोर ने, यह एक बच्ची की कहानी है, इस कहानी में लेखक ने एक छोटी बच्ची और एक फेरी वाले के बीच पनपने वाली दोस्ती का वर्णन किया है। शुरू में छोटी बच्ची काबुली वाले से बहुत डरती है, क्योंकि उसे लगता है कि काबुली वाला अपनी बोरी में बच्चों को बंद करके रखता है। बाद में दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अरे वाह, ये कहानी तो बहुत ही अच्छी लग रही है। मैं घर जाके ये कहानी जरूर पढ़ूंगी। आज हमारे साथ पार्थ भैया भी स्टूडियो में बैठे हैं। चलिए उनसे सुनते हैं ड्रोन की कहानी। इस कहानी में तो जरूर ही बहुत मजा आएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ड्रोन। हा हा हा, चौंकिए मत, खुश हो जाइए। आज आपका यह दोस्त आपको अपने बारे में ढेर सारी बातें बताने वाला है। सुनोगे ना? हा हा, जरूर सुनेंगे। प्यारे बच्चों, पहले आप आराम से बैठ जाओ। ड्रोन भैया, हम आराम से बैठ गए हैं। देखो बच्चों, मैं विज्ञान और तकनीक का बहुत नवीनतम उपहार हूँ। बच्चों, क्या तुमने मुझे कभी हवा में उड़ते हुए देखा है? हा हा हा, अरे भाई, मैं भी कैसा सवाल कर रहा हूँ। भला ऐसा हो सकता है कि तुमने मुझे ना देखा हो? आजकल तो मैं बहुत लोकप्रिय हूँ। अरे वाह, आप तो बहुत अच्छे हैं। तुमने मुझे शादियों में, खेतों में, परेड में, शोज में, मेला में, कहीं ना कहीं तो जरूर देखा होगा। हाँ, हमने आपको देखा है। आप हमें बहुत अच्छे लगते हो। आपका नाम भी अच्छा है, ड्रोन, और आपका काम भी अच्छा है। अरे भाई, मैं तो हूँ ही इतना आकर्षक कि तुम मुझे खिलौने की तरह भी इस्तेमाल करते हो। आप तो चमत्कार हैं।
प्यारे बच्चों, मैं विज्ञान का एक चमत्कार हूँ। मेरे निर्माण के लिए वैज्ञानिकों को अत्यंत मेहनत और अध्ययन करना पड़ा है। उनकी मेहनत का फल यह हुआ है कि मैंने मानव जीवन के अनेक कार्यों को आसान बना दिया है। रोहन भैया, अब आप हमें ये बताओ, आपका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? बच्चों, अब तो मेरा उपयोग बहुत सारी जगह होता है, लेकिन अब आप मुझसे यह ना कहना कि ड्रोन भैया, आप हमारा होमवर्क कर सकते हो क्या? प्यारे बच्चों, ना तो मैं आपका होमवर्क कर सकता हूँ और ना ही आपके स्कूल बैग का वजन उठा सकता हूँ। तुम बच्चे भी मेरी तरह मेहनती बनो। और हाँ, खेतों में किसान भाई अपनी पीठ पर वजन उठाकर कीट नियंत्रण करने के लिए जो स्प्रे करते हैं, उससे उनको बहुत परेशानी होती है और बहुत मेहनत भी लगती है। उसका बोझ भी मैंने अपने कंधों पर उठा लिया है और मैं उनके समय को बचाने में सहयोग देता हूँ। ड्रोन भाई, हमने आपके कंधे तो देखे नहीं हैं, हमने तो आपके पंख देखे हैं। इसलिए आप ऐसा कहिए, मैं सारा बोझ अपने पंखों पर उठा लेता हूँ। बिल्कुल सही कहा बच्चों, तुम तो बहुत होशियार हो। वो तो हम हैं ही। हाँ, हम बच्चे तो होशियार ही होते हैं। ड्रोन भैया, हमने आपको कई बार देखा है कि आप वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी भी करते हैं। हाँ बच्चों, आपने बिल्कुल सही देखा है, मेरी नजर बहुत तेज है। आप क्या ऊंचाई से सब कुछ देख लेते हैं? मैं अलग अलग कोण से अलग अलग स्थान की तस्वीर ले सकता हूँ। जहाँ कैमरा में नहीं पहुँच सकते, मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। और तो और, मैं ऊपर से भीड़ की संख्या भी बता सकता हूँ। अच्छा, आप यह सब भी कर लेते हैं? जहाँ सुरक्षा की दृष्टि से निगरानी करनी होती है, वहाँ भी मैं कुशल सिपाही की तरह अपना फर्ज अदा करता हूँ। आप उड़ते उड़ते थकते नहीं है? नहीं बच्चों, यह सब करते हुए मैं बिल्कुल नहीं थकता हूँ। सुनो बच्चों, मैं रिमोट से भी काम करता हूँ और AI के आधुनिकीकरण की वजह से मैं स्वयं अपने बल पर भी काम करता हूँ। यह मेरी आधुनिक तकनीक है, इस पर मुझे बहुत गर्व है। ड्रोन भाई, आप मनोरंजन भी करते हैं, मदद भी करते हैं, जासूसी भी करते हैं, निगरानी भी रखते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं। क्या आप हमारी जगह पढ़ाई भी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, पढ़ाई तो तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी। मैं तो इंसान की सहायता कर सकता हूँ, लेकिन इंसान की जगह नहीं ले सकता। ड्रोन भैया, आप तो आसमान में उड़ते रहते हैं और हम जमीन पर होते हैं। आपको तो ऊपर इतना मजा आ रहा होता है, पर आपको देखते हुए हमारी गर्दन दर्द हो जाती है। अरे, तुम तो बड़ी मजेदार बातें करती हो। अच्छा बच्चों, तुम्हें मैं अपने बारे में कुछ और बातें बताता हूँ। मालूम है बच्चों, कई बार क्या होता है, मुझे वैज्ञानिक एक स्थान पर सेट कर देते हैं। वहां से मैं हवा की गति, हवा का दबाव, आर्द्रता, तापमान, सारी जानकारी जुटाकर वैज्ञानिकों को दे देता हूँ। हाँ बच्चों, मैं प्रगति और विकास के सभी कार्यों में मानव का बहुत अच्छा मित्र हूँ। ड्रोन भैया, पंछी आपको उड़ते देख हैरान नहीं हो जाते? बहुत अच्छे, मैं युद्धों में भी काम आता हूँ। मैं मीलों दूर से शत्रु देश पर आक्रमण कर सकता हूँ। लेकिन बच्चों, मैं आपको अपने मन की बात बताता हूँ। मैं युद्ध में होने वाले अपने प्रयोग से बहुत दुखी होता हूँ। मालूम है बच्चों, मैं क्या चाहता हूँ? दुनिया में शांति हो और मैं मानव कल्याण के लिए, मानव हित और प्रगति में कार्य करूँ। तुम भी तो यही चाहते हो ना? अब तुम भी घर जाकर पढ़ाई करो और मैं भी अपना कार्य करता हूँ। ड्रोन भैया, हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। चलो अब हम भी चलते हैं। बाय बच्चों। अरे वाह, ये तो बहुत ही मनोरंजक कहानी थी। सच में मजा आ गया। परीक्षा, तुमने कहा था तुम्हें संगीत में रुचि है, तो क्या तुम हमें कोई गीत सुनाओगी? जरूर। दिल है छोटा सा,
छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की, भोली सी आशा चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, महक जाऊं मैं आज तो ऐसे फूल बगिया में, महके है जैसे बादलों की मैं, ओढ़ू चुनरिया झूम जाऊं मैं बन के बावरिया, अपनी चोटी में बांध लूं दुनिया, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, स्वर्ग सी धरती। प्रेक्षा तुम तो सच में बहुत अच्छा गाती हो। धन्यवाद। एकाक्ष वैसे मैंने सुना है कि तुम भी कविताएं लिखते हो, तुम भी कुछ सुना दो। अच्छा चलो मैं अपनी स्वरचित कविता सुनाता हूँ जिसमें मैंने सुबह की हर बच्चे की व्यथा का वर्णन किया है। तुम तो समझ ही गई होगी प्रेक्षा मेरा इशारा कहाँ पर है। हाँ एकाक्ष मैं समझ गई, जब सुबह मम्मी स्कूल के लिए उठाती है। इस कविता का मैंने शीर्षक दिया है हर घर की कथा हर बच्चे की व्यथा। ठंडा ठंडा पानी मेरे मुंह पर मम्मी ने छिड़का, मैं झटका बिस्तर से लुढ़क गया। सपनों पर पानी की बूंदे थी, घड़ी मानो जल्दी कर बोल रही थी। मैंने भी गुस्से से बोल दिया, उस भुलक्कड़ को अपना एहसान याद दिला दिया। अरे ओ बेशर्म कितनी बार तुझे बचाया, बार बार सेल डलवाया, अगर मैं ना होता तो तू कचरे में होती, रोती रोती रिसाइकल होती। टिक 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 वो चलती रही, समय के साथ बढ़ती रही, चल रही थी घड़ी और मेरी लड़ाई कि कहीं बाहर से मम्मी की आवाज आई, अरे ओ ना समझ उठा नहीं अब तक, बस 5 मिनट में आ जाएगी, अब स्कूल क्या तेरी मम्मी जाएगी। नींद कर रही थी परेशान, घड़ी नहीं ले रही थी रुकने का नाम, मम्मी की डांट से था मुझे बचना पूर्ण विश्वास था, बस छूटेगी पक्का। मुंह धोया बदल लिए कपड़े बाहर भागा दूध पीने नाश्ता करने, नाश्ता निगला नहीं गया मम्मी का भाषण चलता ही गया। मम्मी ने रौद्र रूप धारण किया, मैंने ईश्वर को याद किया, हे ईश्वर करना मेरी रक्षा, पक्का बन जाऊंगा अच्छा बच्चा, ज्वाला में मैं जलना नहीं चाहता, बेलन चाटे से भूख मिटाना नहीं चाहता। जल्दी से मैंने बैग उठाया, बैग तो उठ गया पर मैं गिर गया, मम्मी के क्रोध से बचा उठा और सीढ़ियों की ओर भगा, तीव्र गति से मैं उतर गया, नीचे पहुंचा फिर ठहर गया, सपनों की दुनिया में खोया, घोड़े की तरह खड़े खड़े सोया। मम्मी पीछे से आई फिर चिल्लाई, अब तो होगी तेरी कुटाई, गिरते पड़ते मैं पहुंचा किसी तरह, बस लेट थी नहीं थी वह अपनी जगह। मुझे अफसोस हुआ, मन ही मन मैं सोचा 5 मिनट और सो जाता तो ज्यादा नुकसान न होता। धन्यवाद। ये कविता तो सच में बहुत अच्छी थी और हम बच्चों के दुख का भी वर्णन कर रही थी। प्रेक्षा तो क्या मैं तुमसे कुछ पहेलियाँ पूछूं? जरूर। काला घोड़ा सफेद सवारी, एक उतरा दूजे की बारी, बताओ उत्तर पता है या नहीं? मुझे तो नहीं आता। रोटी और तवा। अच्छा चलो ठीक है, मैं भी तुमसे एक पहेली पूछती हूँ। 3 अक्षर का मेरा नाम, बीच कटे तो रिश्ते का नाम, आखिरी कटे तो सब खाए, भारत के 3 तरफ दिखाए, बताओ क्या? सागर। उफ तुम्हें ये आता था। घुसा आँख में मेरे धागा, दर्जी के घर से मैं भागा। बटन। हाँ तुमने एकदम सही जवाब दिया। चलो एक चुटकुला सुना देता हूँ। टीचर क्लास में लड़ाई क्यों नहीं करनी चाहिए? संजू क्योंकि पता नहीं है ना मैम कि एग्जाम के समय कब किसके पीछे बैठना पड़ जाए। ये बड़ा मजेदार चुटकुला था। दोस्तों आपसे बातें करते करते समय कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला। घड़ी की सुई ने कर दिया इशारा है अनुमति चाहेंगे आज के कार्यक्रम को यही विराम देने की। आशा करते हैं आप सभी के चेहरों पर हम ला सके एक मुस्कान, तो मुस्कुराते रहिए और हमारे कार्यक्रम को अपना प्यार देते रहिए। जल्दी मिलेंगे आप सभी से, तब तक के लिए जय हिंद।